देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में अब हर घंटे 5 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। हालात ये है कि महज 15 दिनों में ही दिल्ली में 1,00,000 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में बुधवार को 131 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 18 नवंबर को ही 7,486 नए मरीज मिलने के साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 5,00,000 के पार पहुंच गई है और कुल आंकड़ा 5,03,084 तक पहुंच गया। बड़ी बात ये है कि सिर्फ 15 दिनों में 1,00,000 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 1 से 16 नवंबर के बीच कोरोना वायरस के 1,01,070 नए मामले दर्ज किए गए और करीब 1,202 संक्रमितों की मृत्यु हो गई। लेकिन अब दिल्ली में एक बड़ी समस्या शुरू हो गई है। दिल्ली के शमशान घाट और कब्रिस्तान फुल होने लगे हैं। आईटीओ के कब्रिस्तान में अब केवल 60 से 70 जगह ही बची है। वहीं शमशान घाट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने निगम बोध घाट में 104 में से 52 प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के शव के लिए अलग कर दिए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए हमने 104 प्लेटफॉर्म को दो हिस्सों में बांट दिए हैं। 52 जनरल और 52 प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के शवों के लिए अलग कर दिए हैं। इसके अलावा सभी 6 CNG प्लेटफॉर्म भी कोरोना मरीजों के शवों के लिए दे दिए गए हैं। बहरहाल दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर चालान किए जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ 45 करोड़ रुपए के चालान किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।